Don't you like it? Huh? Your stomach is full. What? Your stomach full. No study. Why no study? Only play. What only play? Bring your notebook and pencil. No notebook. Only play. Banu, you want to be police, na baby? Okay, honey, you go bring notebook and pen. No, pen. No. Honey, want to be police, na? No, what? Every time you were saying that you want to be police, now you don't want to be police. No, you can tell me. Don't tell me. Only we will write ABCD then finish, okay? No. Stop. You want to write one? Small one? Okay, we will write 1, 2, 3, 4, 5, then finish. Okay. No. Then? No study. You only play. Dugu, you should not do like this, baby. You have to study half an hour. No, baby. No, stay there. Stay there, mama. Hi, baby. Okay, you want to study with dad? Huh? No. No study. Stop studying, mama. What? Play. Only study. Okay. Okay. Okay, now Sunday. दिसंबर बेटा दिसंबर किसी का नाम होता है दिसंबर महीना एंड देन जीरा क्या कैन वी हु इज हिप्पो हिप्पो मामा जीरा एंड डैडा इज Hippo. No, Dada is not hippo. Dada is giraffe. Mama is rhino. I'm making rhino. Daddy, mama is rhino. Daddy is rhino panini. Hey, क्या पढ़ा रहे उनको मामा हिप्पो हाँ? भाई कोई बात नहीं. Lockdown में कहाँ जानवर देखेंगे हमें देख रहे. हाँ तो उनको अच्छे से पढ़ाओ ना बी मामा हिप्पो व्हाट मामा आई एम टू स्माइल बर्ड कलर व्हाट आर यू डूइंग हनी मेक इट नाइसली बेबी बर्ड मेकिंग वन मोर ओके मेक यू आर मेकिंग व्हिच वन ब्लू यस व्हाट इज दैट Line. What is that? Blue. Blue what? Blue cloud. Very good. And yellow? Yellow? What is this? Blue. What is this? Yellow? Yellow sun. Very good. And blue is cloud. Very good. And red is?
apple. And yellow is? Sun. And this one? Mango. Yes, very good. Nicely colored. See, Banu finished. I finished. See, I finished. Very good. Green mango leaf. Okay, we will do. Honey, you haven't finished this yet. Is green. No more. That is white. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ अर्चना. कैसे हैं आप सब लोग? इससे पहले जो मैंने क्लिप शेयर की वो मेरे मैके की हमारे घर की टेरेस गार्डनिंग है. तो ये खाली फ्लावर वाला सेक्शन है. इसके ऊपर और एक लेवल में थोड़े बहुत वेजिटेबल्स भी लगाए हैं, उसका वीडियो नहीं है. मैं कभी जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी. पता नहीं कब जाएंगे हम लोग. हमारा मतलब भाई की शादी, जैसे आपको पता है कि डिले होते हुए जा रही है, एंड मई में होने वाली थी तो हम लोग जाने वाले थे, बट अभी तो कोविड सिचुएशन कुछ नहीं होगा. एंड ये लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी अगर वो जून जुलाई अगस्त में अगर सोचे भी शादी का, तो पता नहीं कैसे क्या होगा. क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से इंडिया जाएंगे तो अभी 14 दिन हमें क्वारंटाइन में पहले रहना पड़ेगा. देन हम शादी अटेंड करके वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा. तो करीब 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर हम लोग टोटल सब कुछ मिला के शादी क्वारंटाइन पीरियड. एंड जीत का नॉर्मली साल में 30 डेज का लीव होता है, तो अभी जो लॉकडाउन यहाँ पे हुआ था उसी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वो 30 डेज का लीव जो है वो कट कर लिया. तो अभी हम लोग जहाँ अगर छुट्टी लेते हैं जीत, तो लीव विदाउट पे रहेगा. तो वो तो एक अलग है कि हाँ लीव विदाउट पे रहेगा, बट लीव मिलेगा कि नहीं वो भी एक, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन आप सबको पता है, इतने लंबा छुट्टी कौन देगा. एंड दूसरी बात है कि अभी जाने आने में भी इतना ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि आपकी क्वारंटीन में जहाँ पे भी आप रहोगे बच्चों के साथ में, क्योंकि अभी तो हम लोग घर में सेफ हैं, ट्रैवल करके जाएंगे फिर वहाँ पे किसी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा. पता नहीं, देखते हैं जब जैसे होगा आप लोगों को पता चलेगा. एंड आज मैंने बोला था कि मैं हेयर का कुछ ट्रीटमेंट करूँगी. अगेन आलसीपन के वजह से मैंने कुछ नहीं किया. मैं बस खाना बनाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. राजमा चावल मैंने बना लिया है. राजमा चावल की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर किया तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया. अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो मेरे फूड चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो जाके. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं. तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, पहले हनी बनी को खिलाऊंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे. सो गाइस, हनी बनी जब खाना खाते हैं तब वो कार्टून देखते हैं. उसके बाद मैं उनको ऐसे कुछ लगा देती हूँ, जैसे अभी उनके क्लास में सिखा रहे हैं मंथ्स ऑफ द ईयर.
तो ये कार्टून से वो जल्दी ही उसको सीखते हैं, रैदर देन अगर हम उनको ऐसे रट्टा मार के सिखाएं ना, उससे ज़्यादा जल्दी वो कार्टून से सीखते हैं। तो अभी तो वो मोस्टली बोल ही देते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर, बीच बीच में थोड़ा सा अटकते हैं। तो बहुत सारा हमें बेनिफिट मिलता है। ये चूचू टीवी एक है, मोस्टली वो वही मैं उनको लगाती हूँ जब भी वो एजुकेशनल कुछ देखना चाहते हैं। तो ये है, एंड जो डेज ऑफ द वीक भी उन्होंने इसी से ही सीखा था। हनी बनी का खाना पीना हो गया है, एंड ये देखिए अगेन हमारे घर में जलेबी बनी थी। कल रात को 12 बजे जीत ने बोला मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। मैंने उस दिन बोला था कि जब जलेबी अब खाने का मन करेगा हम घर में बनाएंगे, तो बोला कि बना। रात के 12 बजे जलेबी बना, आधा घंटा लगा, एंड जी खाए, संतुष्ट हुए एंड सोए। तो अभी हनी बनी मांग रहे हैं तो मैं उनको दूंगी थोड़ा सा। तो बहुत लोगों का कंसर्न, बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब मम्मी वहाँ पे, मेरी मम्मी वहाँ पे अकेले रहती है कि कैसे रहती है। तो आ गया हनी। तो जब पापा थे तब भी हमारे घर में दो हाउस हेल्पर्स आते थे, एक जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सुबह शाम जैसे नॉर्मल आते हैं वो, एंड और एक लेडी आती थी वो मतलब नॉट एज हाउस हेल्पर, वो तो थोड़ा सा कंपनी देने के लिए, थोड़ा सा सब्जी काट लिया, कभी डस्टिंग कर ली, थोड़ा सा कपड़े धो लिए, कपड़े फोल्ड कर लिए, इसी टाइप का। तो वो सुबह से लेके मतलब 3-4 बजे तक वो रहते थे। तो मतलब दे आर लाइक हाउस मेम्बर्स ओनली, उनको हाउस हेल्पर्स नहीं बोलूँगी मैं। एंड जब मम्मी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी मम्मी के बीच में पापा के जाने के बाद, तो वो 3 महीने अपने मायके में रुकी थी, फिर 3 महीने यहाँ पे आई थी। तो वो जो 6 महीना वो उन दोनों ने पूरा टेक केयर किया था, घर के पेड़ पौधे जो भी वहाँ पे आके सोते थे। इवन इनफैक्ट अभी भी मम्मी के साथ में उन दोनों में से कोई एक आके रात में सोता है। एंड उसके साथ में अभी और एक कपल है, वो मेरे मामा के साइड के बहुत पुराने जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वो घर ढूंढ रहे थे रहने के लिए रेंट पे। तो हमारा घर जो है वो 3 मंजिल का है, तो नीचे का जो बनाया था जो ग्राउंड फ्लोर वो पूरा रेंट पर्पस ही बनाया था, तो ऑलरेडी वहाँ पे रेंट लगा हुआ है, तो वो भी है। एंड ऊपर जो है वो डुप्लेक्स टाइप का है, तो उनमें से एक रूम मम्मी ने उनको दिया है रहने के लिए, मतलब रेंट वेंट में कुछ नहीं, बस कि मम्मी के साथ में कोई रहे। तो उनके रहने के बाद से थोड़ी मतलब ईजी हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो ऑटो चलाते हैं उनमें से एक, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो ऑटो चलाते हैं। तो कहीं भी बाहर जाना हुआ, सब्जी लानी हुई, राशन लाना हुआ, या बिल पेमेंट हुआ कुछ भी, तो वो कर देते हैं वो। एंड उनकी जो वाइफ है वो हम मम्मी की किचन में हेल्प कर देती है, कटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ भी वो सब वो कर लेते हैं। तो अभी एंड अभी भाई तो है ही वहाँ पे, मार्च से लॉकडाउन में वो वहीं पर फंसा हुआ है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद वो जब वापस बैंगलोर चला जाएगा, एटलीस्ट मम्मी के पास 3-4 लोग हैं वहाँ पे। एंड सेम बाउंड्री के अंदर, मतलब मेरे दादाजी का एक बड़ा सा प्लॉट उन्होंने लिया था, उसी सेम प्लॉट को उन्होंने अपने सारे बच्चों को, 7 बच्चे उनके लड़के, 4 लड़के 3 लड़कियाँ, सबको वहीं पे उन्होंने दी है प्लॉट्स सेपरेट करके। तो वहीं पे सबने ही घर भरा, मेरे चाचा हैं, मेरे बुआ हैं, वहाँ पे सब लोग रहते हैं। एंड नीचे वाले फ्लोर में वो भी मतलब किराएदार भी रहते हैं। तो बहुत लोग हैं, एंड सेम सिटी में मेरे मामा का घर है, मौसी का घर है, मतलब हमारे सारे रिलेटिव्स भुवनेश्वर में ही रहते हैं। तो इस वजह से उसका वहाँ पे ऐसे टाइम पास होता है। तो चलिए, मैं कुछ मतलब मेरा मुझे कुछ और काम करना था, मैं सोच रही हूँ क्या कर रही होता। यहाँ पे मैंने कुछ आज पनीर बना लिए हैं। एक्चुअल में एक मिल्क का बॉटल था 1 लीटर का मेरे पास, जो कि कल एक्सपायर कर रहा था। तो आज, और हम लोगों में से कोई भी दूध नहीं पीता है, ना मैं, ना हनी बनी, ना जीत, तो इस वजह से मैंने इसको पनीर बना दिया है। एंड अभी मैं इसका पराठा बना लूँगी या टिक्का बना लूँगी, जो भी देखूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया, बहुत बेसिक सा मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ये है पराठे का मसाला स्टफ, मतलब पराठे का मसाला एक मिलता है वो है थोड़ा सा, एंड नमक थोड़ा सा ऐड करके बस इसको मिक्स करूँगी, एक स्टफिंग बना लूँगी, पराठा ही बना लेती हूँ, पनीर पराठा बना लूँगी। तो हनी बनी भी खा लेंगे इवनिंग को, एंड मैं एक अभी खा लूँगी। चलिए, ये स्टफिंग रेडी है, मैं आटा गूंद लेती हूँ अपने लिए अभी बना लूँगी, एंड बाद में
जीत का शाम का नाश्ता भी यही हो जाएगा। Happy Mother's Day, not Happy Dad's Day. Happy Dad's Day. Happy Father's Day and Happy Mother's Day, not Dad's Day, baby. Can you say Happy Father's Day? Happy Putty 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 Putty. Good evening guys. Good evening. कैसे हैं आप लोग? मैं बस वेट कर रही थी कि जीत आएंगे तो उनके साथ में ब्लॉग एंड करूंगी, क्योंकि कल भी ब्लॉग में नहीं आए थे, आज भी नहीं लाऊंगी तो क्या बात है। हमारी इतनी हमारी इतनी तवज्जो, इतनी इम्पोर्टेंस देख के तो मैं देख इम्पोर्टेंस शादी अब दानी बनी की तरफ कर दिया। मतलब यही दिक्कत तो रखते हैं मुझे। आज वीकेंड है, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लेना है, सब्जी कुछ चिकन वगैरह ये सब लेना है। चिकन कब से सब्जी होने लगी? मतलब सब्जी एंड चिकन वगैरह। सब्जी एंड चिकन, मुझे लगा कौन से पेड़ पे चिकन लगे हुए हैं तो उधर से उखाड़ लेंगे। हाँ तो बस यही है, हमारे घर में कल दो तीन लोग आने वाले हैं, बस तो उसी का सामान कुछ लेने जाना है। एंड क्या बोल रही थी तुम्हें, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं जाके, फिर डिनर हमारा हो गया है। मैंने अभी हेड वॉश किया है रात को ही, सुबह मैंने आलसपन की वजह से नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, बस शैम्पू कर लिया है, कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया। जब ट्रीटमेंट क्या करनी होती है इसमें? झाड़ू हो गए हैं मेरे बाल, तो तेरे बाल में पानी झड़ा नहीं अच्छे से? तो पानी झाड़ने की बात नहीं है, झाड़ू हो गए। वैसे एक बात है, एक जोर से थड़ाक के तेरे सर पे पड़े तो सारे बाल में से पानी झड़ जाएगा, खा के देख ले। दिखाओ थोड़ा दिखाओ, मैं फिर देखना चाहती हूँ थोड़ा, फिर आफ्टर इफेक्ट भी देखना है। ऐसी किसी पति में हिम्मत होगी जो ऐसा काम कर जाए? मैं तो बस विद ड्यू परमिशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन के साथ में। ठीक है, परमिशन भी मिलता है फिर दिखाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तू मुझे एक दे मैं तुझे दस दूंगी, ये बोलना चाहती है ना? तू मुझे एक दे मैं तुझे दस दूंगी। बट आपका हर बात पे कान के नीचे पड़ेगा, सर के नीचे पड़ेगा, ये क्या है? हर बात पे कान स्कूल टाइम से ऐसा है भाई। हमारा एक ऑटो वाला भैया था, जब हम स्कूल जाते थे ना, पहले हमारे ऑटो में जाते थे, इतने सारे बच्चे, मतलब पता नहीं कितने 10-12-15 बच्चे लेके जाते थे भैया, तो वो हर चीज पे एक ही चीज बोलते थे, कोई ऑटो वाला कोई स्कूटर वाला आ गया, कोई गाड़ी वाला, ये
अरे देख के चला ना, कान के नीचे मारूंगा, कान के नीचे मारूंगा तब से, कान के नीचे वाला आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर। तो चलिए ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, बाल ज्यादा पसंद आया वैसे मुझे, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, देखो कहने से लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय, सी यू, बाय गाइस।